दूसरे फोटो में मामा अध्यक्ष हमारे बहुत प्यारे दोस्तों में से एक बार इनके लिए ताली, सर के लिए ताली, दो मिनट बोलेंगे सबको। आज फिल्म की शुरुआत होने जा रही है। हमारी फिल्म का नाम बहुत ही धांसू नाम है और नाम है थाक, और हम सब अपनी थाक जो है अभी फिल्म इंडस्ट्री में रखने आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे हमारे प्रोड्यूसर हैं सलीम भाई, अनीस भाई हमारे डायरेक्टर हैं, और मेहनत से फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। और अभी आज पहला दिन है शूटिंग का, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद हम सबके साथ होगा। थैंक यू सो मच। और हम सब लोग अभी पूरी मेहनत के साथ इस फिल्म को आगे तक लेके जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म बहुत चले और बहुत दुनिया इस पर नवाजे। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो बहुत खुशी वो महसूस हो रही है यहाँ इस फिल्म का एक हिस्सा बन गई है अभी फिर से काम करके। एंड यस, शीना भी है, अच्छी दोस्ती भी हो गई है, एंड पूरा टीम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल। और जो फिल्म का नाम है ढाक, आई फील इट्स वेरी डिफरेंट, उसी से अंदाज़ा हो रहा है कि स्टोरी ढांसू फिल्म बनने वाली है, क्योंकि टाइटल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और टाइटल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ा है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत कुछ करने को भी है इसमें। तो थैंक यू सो मच एंड फीलिंग प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। हमारी फिल्म के एक्टर्स भी हमारे साथ के दो वर्ड बोले तो अच्छा है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है, इज़ द माइक वर्किंग हो गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर 2023। ये हालांकि मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्ट। एंड मुझे कुछ डिफरेंट करना था, तो इस पिक्चर में वो करने का मौका मिल रहा है मुझे। एंड जो डायरेक्टर है अनीस जी एंड को एक्टर सलीम, देयर इज अ सरप्राइज व्हिच आई वुड नॉट वांट टू रिवील राइट नाउ। सो बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है, निसार जी ने बहुत बखूबी से लिखा है स्क्रिप्ट, एंड आई जस्ट होप, जैसे मैं हर फिल्म के लिए उम्मीद करती हूँ अपनी कि सुपर हिट हो, बस आई वुड होप कि मूवी बहुत बेहतरीन बने। एंड इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स नेवर वन पर्सन, सो आई जस्ट विश एंड प्रे दैट बहुत बेहतरीन फिल्म बने एंड वी ऑल आर गोना वर्क हार्ड फॉर इट। दैट्स इट, वी नीड लव एंड ब्लेसिंग। थैंक यू। मैं चाहूंगा अनिल समीर, खुदा ना जाने किसी को यूं जवाब देता है, रूच दे के दिलों से निकाल देता है, ना जाने किसकी दुआओं का फैज है मुझ पर, मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है। आज जो है पहला दिन है मुहूर्त का, हमारा तो सलीम भाई से मुलाकात हुई थी, वो कहते थे कि मैं फिल्म बनाऊंगा, तो ऐसे चलता रहा, मैं भी थोड़ा बिजी रहा, फिर वक्त आया तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी हालात सुधर रहे हैं तो फिल्म बना सकते हैं। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी फैमिली का सपोर्ट बहुत है, उनकी फैमिली की वजह से आज वो बने। एक वो उनका मैंने सुना कि एक दिन भी वो जो है घर से बाहर नहीं रहे, ऐसा शख्स जो है आज हमारे साथ बैठा हुआ है सिर्फ उनकी फैमिली के सपोर्ट की वजह से, वरना जो है वो कहीं भी कभी भी निकल के जाते। और एक ऐसी दुनिया है, ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है, हमारा काम है सपने दिखाना, और लगे लोग सपने देखकर जो है ऊंचाई तक पहुँचे, उनका काम होता है, हमारे सपने देख के वो आते हैं कि हम भी ज़िंदगी में कुछ करें, आगे बढ़ें। बस इसके लिए जो है मेरी जो टीम है, इनका अविनाश जी,
काफ़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, एज ए हीरो इन्होंने काम किया। जब हमसे इनकी मुलाकात हुई तो जब उन्होंने अपना किरदार सुना तो बोला कि सर मैं कर लूँगा, मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही मैडम आई थी वैष्णवी जी, ज़्यादातर शक्तिमान सीरियल में जो है इनके किरदार को लोग काफ़ी पसंद करते थे, वैसे हीरोइन थी ये भी फिल्मों में लाडला वगैरह में इन्होंने काम किया। जब इन्होंने भी सब्जेक्ट सुना तो बोला कि ठीक है मैं कर लूँगी, मुझे अच्छा लगा। फिर आई शीना शाहबादी, शीना जी के साथ तो ऐसा लगता है कि टसन है, वो तो झगड़ती रहती है और काफ़ी इंटरेस्ट है। एक बात है कि टीम के हर एक्टर ने जो है अपना जोर लगाने की बात की कि हम इसमें अच्छा कर रहे हैं। ऐसे प्रदीप जी से मुलाकात हुई मेरी, प्रदीप रनावत जी, तो रावत जी तो उनसे जो गजनी के विलन थे तो 15 मिनट का टाइम दिया था, बोला कि 15 मिनट बात करते हैं। फिर 1.5 घंटा हमारे साथ बैठे, 1.5 घंटा डिस्कशन होने के बाद वो बोले कि यार अच्छा है सब्जेक्ट, बहुत अच्छा है, मैं करूँगा कुछ डिफरेंट करेंगे। तो फिल्में तो हम बनाते हैं लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आपकी दुआ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी दुआ अगर साथ है तो वही मैं कहता हूँ कि समंदर में भी जो है समंदर से हम बाहर निकल जाएंगे। अगर आपकी दुआ नहीं रहेगी, आपका साथ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। और इस फिल्म में ये जो है हमारे हीरो हैं, प्रोड्यूसर हैं सलीम जी, इनके लिए आपका सपोर्ट बहुत चाहिए। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब बहुत मेहनत किया है इन्होंने, मैं देख रहा हूँ उनकी मेहनत को, तो अल्लाह इनकी मेहनत को कामयाब करे और जो है इस फिल्म को जो है आपकी दुआ से। और हमारे शबीर हैं मेरे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं और ये जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, यही आपकी दुआ का मैं चाहते हुए जो मैं शुक्रिया, नमस्कार। मेरी धाक की जो टीम है, धाक की जो टीम है उसका मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ पूरे दिल से। जो आप मेरे चेहरे पे जो चमक देख रहे हैं वो उन सारी टीम की मोहब्बत है, प्यार है, जो मुझे इस कदर आज खड़ा की है। मैं पूरी टीम का, शब्बीर सैयद और शब्बीर शेख और हजरत आए हैं, मैं इनका बहुत दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। इनकी दुआएं, इनकी मोहब्बत जो मुझे इस मुकाम पे खड़ी की है, और मेरी माँ बाप की दुआ मुझे बहुत है। बस उन्होंने तो पूरी टीम का मैं एक एक करके नहीं बोल सकता, फिरोज है, गौराज है, शब्बीर है, शब्बीर सैयद, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस शुक्रिया का मौका दीजिए और आप सारे प्रेस मीट आप जो यहाँ तक आए हैं आपका वेलकम करता हूँ, धन्यवाद। आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। आप सबका मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और सरकार की दुबई पढ़ के एक और दुआ मुझे देता हूँ। बगिर दाबे बला उफ्तादा कस्ती तेही फ़नो शकिस्तारा तो उस्ती वह के ख्वाजा उस्मान हरुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, पर लगा दीजिए सरकार इन सब की कस्ती वह के लाए। दीदी थोड़ा सी आप क्या बोलेंगे, कैमरा रोल, हाँ आप एक्शन बोलेंगे। फोटो लेके यहाँ साइड हो जाना, ऐसे बाउंस करते ना इसको, मतलब बाउंस कर देते, इसे लाइट देते। खालिद थोड़ा साइड हो जाना,
हेलो इसको भी फोटो चाहिए ना, कौन सा है टिक्का और ना टिक्का पता क्या है, ऐसे भी फोटो ले लेगा तो हो जाएगा अपना मोर शॉट अपने मेरे वीडियो भी। हीरो साहब बैठे हुए हैं, हाँ अच्छे लग रहे हैं ना। अनीश भाई इधर से आइए मैडम, इसको टाइट रखा था ना, आउट है ना फ्रेम से। नहीं नहीं और पीछे, हाँ और पीछे पीछे वो एक्शन में चले जाने, अभी आने दीजिए ना। नहीं नहीं उनको आने दो, उसके बाद में आना। ये जब बोल देंगे कि क्या हुआ देना है कम धीरे। हां या या हां ठीक है आने दीजिए आने दीजिए। तू चले गए सर मॉडल मैं चले जा रहा हूं, चलो चेक करें करें सर। सर एक सर नीचे बोलिए प्लेट लिए सर, कैमरा फोटो इसमें बोलो ना, इनको बोलो ना कैमरा रोल ना बोलो दबाओ थोड़ा पीछे कैमरा रोल एक्शन। विश यू बेस्ट ऑफ लक लक फिल्म साउंड तक रोल बनने के बाद में एक बार और चलिए सर रोल कीजिए आप रोल मदद दवाई दवाई सिर्फ बटन दवाई दवाई आप दवाई 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 पांच छोड़ दीजिए रोलिंग स्वागत भी करता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ। धाक फिल्म जो बन रही है इसके प्रोड्यूसर और एक्टर मोहम्मद सलीम है, मगर मैं कहता हूँ मोहम्मद सलीम अकेला नहीं है, यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी काम कर रहे हैं सब लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि एक के सहारे नहीं बन रहा, ये पूरी टीम की वजह से बन रहा है। और मैं कल रात में यहाँ पे आके ये टीम को मिला और उसके बाद अभी आके सबको मिला, ये सबको देखे ऐसा लगता है ये अलग अलग फैमिली नहीं है, पूरा मिला के एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली मिलके इस फिल्म को बना रही है। और उसके साथ साथ अजमेर वाले साहेब भी आए और उसके बाद जितने भी यहाँ बड़े बड़े आए मैं तो नहीं जानता, और अजमेर वाले की दुआ भी है और सबका आशीर्वाद भी है, इसके साथ ये फिल्म बन रहा है। मैं तो चाहता हूँ खुदा करे इस फिल्म को बहुत बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ाए, जितने भी काम कर रहे हैं इनके सब के काम में अल्लाह रहमत बरसाए और हर काम में हर एक की मेहनत में बरकतें नसीब फरमाए, और आप सब की दुआ। और मैं खास करके अनीस बारूद वाले, अनीस बारूद वाले जो है ये धारवाड़ में मिलके जब पहली बार मोहम्मद सलीम से मिले इसका पीछा नहीं छोड़े, मैं उनको डराते रहा क्या कर रहे हैं अनीस भाई तुम बहुत ऊंचाई पे जा रहे हैं, हाँ सलीम को क्या बोल रहे हैं कैसा बोल रहे हैं, बहुत दो बार डराया भी मैं इनको, हाँ देखो ये हल्का काम नहीं है बहुत बड़ा काम है, इस काम के पीछे सलीम को लेके जा रहे हैं, तुम कैसा करते हो क्या करते हो मेरी समझ में नहीं आता,
ये फिर भी इतनी चालाकी करे इतनी चालाकी करके सलीम को अंदर कर लिए, अंदर कर लिए, और मैं इनको बुला के एक दिन ये पीछा नहीं छोड़ेंगे बोल के एक दिन घर बुलाया और कहानी भी सुनाया और इसका बजट भी सुनाया। लेकिन थोड़ा बहुत ये मुझे अंदर, मुझे भी अंदर करने की बहुत कोशिश करे और कर भी करके ये फिल्म की इस कार्य शुरुआत का काम को शुरुआत किए, और आज सबको देख के मुझे बहुत खुशी भी, और आगे भी सब लोग अपने तहे दिल से इस काम में हाथ बटाइए जितना है, आखिर तक इस काम को आगे बढ़ाइए, अल्लाह आपको कामयाबी दे, और जितने भी वो देखने वाले भी जो हैं सब लोग देखकर इस फिल्म को कामयाब करें। आपके देखने के बगैर ये फिल्म कामयाब नहीं होगा, सब लोग देख के इसको कामयाब कीजिए। मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये छोटा सा एक सीन जो हुआ, कहाँ गए बहन, छोटी बहन, मैं तुम्हारा जो सीन देखा मैं समझा सच्ची रूट के बैठे हकीकत में मैं ऐसा ही समझा, ये बहन क्यों रूट के बैठी है समझा, लेकिन आपका सीन है ये अच्छा, ऐसा सीन करे हर एक हीरो हीरोइन साइड माँ बने, सब बने, सबका सीन ऐसा ही हो जाए, सबके दिल को लुभाए और ये कामयाबी सब आए। वेरी गुड, नाइस, पूरी टीम जो साउथ से आई है, आपकी मैम आखिर लेकिन मत खिलाओ, रेडी आ गया, रेडी रेडी आ गया, ये अच्छी है, यस सर, यस सर, ये हाँ ये ठीक है सर, ये सर हाँ ऐसे सर ऐसे देखो ऐसे हाँ, ये एक और सर एक बार इधर आ जाओ। मुहूर्त हुआ है, फर्स्ट डे है धाक का, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? जैसे मतलब कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो वो एक उत्साहिता एक्साइटमेंट होती है, वैसे ही आज भी हो रही है, एंड मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे एफर्ट्स डाले गए हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, टाइटल बहुत अच्छा है था, वेरी नाइस टाइटल, और अच्छी टीम इकट्ठी की है, हमारे डायरेक्टर साहब बड़े यू नो सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, एंड यस वी आर ऑल टुगेदर इन इट, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। जी सर, आप सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्यार नमस्कार। आज हमारी फिल्म धाक का पहला दिन है और आज मुहूर्त भी है, तो जैसा कि अक्सर होता है मुहूर्त में बहुत सब लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, बहुत खुशी का माहौल होता है, और महाबलेश्वर के वेदर में हम लोग यहाँ पंचगनी में हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि वैष्णवी जी ने कहा कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू प्रोजेक्ट विच वी हैव स्टार्टेड टुडे। सलीम भाई हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, हमारे हीरो भी हैं फिल्म के, और बिल्कुल धाक फिल्म के हीरो जैसे लग रहे हैं, और जिस और हमारी हीरोइन हैं जो कि प्रिटी वुमन मेरे बगल में बैठी हैं, सबसे खूबसूरत यहाँ पे जो हैं, और हमारे डायरेक्टर अनीस भाई की मैंने एक फिल्म देखी है जो उन्होंने बनाई थी अभी एक दो साल पहले, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और उम्मीद है कि ये फिल्म उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर बनेगी, और ये पूरी एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है जो कि जितना कि मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा है, और बहुत स्कोप है हम सब के लिए, मैं और वैष्णवी माँ बाप का रोल निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छे सीन्स हैं हमारे, और नॉर्मली माँ बाप के रोल्स जो होते हैं वो थोड़े से एक फिल्म में वो भरने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इस फिल्म में प्रॉपर पूरी स्टोरी के साथ हम लोगों की स्टोरी भी चलती है, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम, निज़ाम भाई प्रोड्यूसर हैं वो भी हमारे, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट, एंड आज फर्स्ट डे है तो बहुत खुशी है। यस शी इज़ प्लेइंग आवर डॉटर, सेजल इज प्लेइंग आवर डॉटर ऑल्सो, तो good team, me and Vaishnavi have worked earlier also, nice yes. to work with her again, yeah, and so I was so happy to know that you are there, you are a part of this, thank you, okay, all the best to everybody, thank you for jin
सो मैं पहले तो आई वुड वेलकम यू ऑल, थैंक यू कि आप लोग आए अपना टाइम निकाल के. एंड मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है साल में, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. और अगर बात करें स्क्रिप्ट की तो बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट है, बहुत खूबसूरती से नसार जी ने लिखा है, वो हमारे फिल्म के राइटर हैं. एंड द एंटायर कास्ट एंड क्रू इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड nobody is old here, let me be very clear, they are not old, please, so don't go by there, nobody is old. How do you spell old? We don't know old ka spelling, it's not there in the dictionary, but I'm very enthusiastic to start. And hamare director Anish ji, hamara thoda nok jok chalta hai, but it's cool, it's in a positive way, so yeah. And I'm just very happy and excited, and Saleem is the producer as well as the hero, so I'm wishing him all the best. I bully him, but that's allowed, I'm sorry. All heroines bully their heroes, that's like the patent, so but it's okay. When vice versa happens, then you should nothing. Also be able to take it. Yeah, I take it very easily, because he's not doing anything, so it's okay. And then... No, I'll never complete it. Okay, I met both of them for the first time, but it doesn't look like we're getting the first time. It feels like we've worked a lot together, or years ago, and it's a very nice... Johnny and her team, and गाने भी बहुत बेहतरीन हैं इस पिक्चर के. एंड एक सरप्राइज है जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, जो सब बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तो उसको मैं रैप्स में रखूंगी अभी, फिर वो खुलेगा बाद में पिटारा. सो थैंक यू कि आप लोग आए, एंड वी वुड वॉन्ट एवरीबडीज ब्लेसिंग्स. एंड मैं प्रे करती हूँ कि ये मूवी सुपर हिट हो मेरे हर पिक्चर जैसा. सो थैंक यू. आप बताइए जी, आपको कैसा लगा? पहले तो आपको नमस्कार कहता हूँ, और ये मेरी टीम के पूरे सीनियर हैं, इस फिल्म के स्क्रिप्ट के सीनियर हैं, जिनकी दुआओं से ये काम चला है. और ख़ास करके दो आदमियों का बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ. एक फर्स्ट है अनिस बारूद वाले, जो इन्होंने मुझे इस मुकाम पर ला के खड़ा किया है. उन्हीं की बदौलत है कि मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इन सारे सीनियर एक्टरों के साथ काम कर रहा हूँ. और दूसरे नंबर पे आते हैं शब्बीर शेख, जो फ्यूचर लाइन प्रोडक्शन के प्रमोटर हैं. तो हमारे हीरोइन तो एक्टिव है, एनर्जेटिक है, बहुत सारे बात ही करते हैं, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट. उनका जो नेचुरल स्टाइल है वो बहुत अच्छा है. और अनीस सर का तो बात सोचने की बात, उनकी बोलने की बात, सोचते बहुत है, बोलते कम है, मगर धमाका मचाते हैं. तो हमारे फिल्म के टाइटल की तरह, हाँ, धाक कीजिए साहब, उन्होंने जो धाक जमा है उन्होंने जमा है. वैष्णी जी मैडम का मैं स्वागत करता हूँ, और अविनाश वादन सर जी का मैं स्वागत करता हूँ. उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत स्कोप किया, और एंटायर टीम का स्वागत करता हूँ, और सबसे खास करके आप लोगों का स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप बड़ी दूर से हमारे लिए आए. तो इतना कह के मैं आपका सारी टीम का धन्यवाद करता हूँ. नमस्कार. सुनने में आया कि जैसे कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो बोल रहे थे कि डायरेक्टर साहब आपके पास जब आए तो उन्होंने आपको अपनी तरफ लिया स्क्रिप्ट. हाँ सर. तो ऐसा क्या कहानी है, इसके पीछे की क्या कहानी है कि भाई आप उनकी तरफ खींचे चले गए और वो ये कारवां फिर पूरा हो गया? सर ये बात देखिए, डायरेक्टर साहब से बेहतर कोई नहीं जानता, अगर कोई जानता तो सब लोग डायरेक्टर बन जाते ना, ये उनसे ही पूछिए. आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं मूवी को, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं एक प्रोड्यूस करना और ये सारी टीम को लेके इकट्ठा होना, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए? कितनी जिम्मेदारी? बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जैसे जैसे मुझे लोग मिलते गए, नेक लोग मिलते गए, अच्छे लोग मिलते गए, तो मुझे नहीं लगा कि ये टफ है, क्योंकि उन्होंने ऐसे स्कोप किया. जब मैं उनसे मिला, उनका स्कोप से मुझे लगा आसान, इस सारी टीम से मुझे आसान होते गए, कभी तकलीफ नहीं. भविष्य में आप कैसे देखते हैं अपने आप को, आने वाले समय में कैसा सोचते हैं कि इस फिल्म के बाद, या ऐसा इमेजिनरी सोच लेकर, इमेजिनेशन लेकर चल रहे हैं कि हाँ मुझे इस फिल्म के बाद क्या करना है, कैसे करना है? मुझे दुनिया का नंबर वन हीरो बनना है, दुनिया का शाहरुख खान. हम लोग इस फिल्म में भी ऐसी ही चीज़ें कुछ शामिल किए हैं जो ज़मीन से ऊपर हो, ऐसा ही कुछ कैरेक्टर, ऐसा ही कुछ सोच, ऐसा ही कुछ सोच लेके निकले, बस आपकी दुआ चाहिए. सर आपके यहाँ आते हैं, आप बताएं ये स्क्रिप्ट का चयन कैसे किया आपने, और जो स्क्रिप्ट आपके पास आया? सर बैठा फिल्म, आई थिंक जो हमको टाइटल धाक फिल्म, जो टाइटल है इस फिल्म का, वो बहुत ही बढ़िया टाइटल है,
और फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से परफेक्ट जा रहा है। और बस यही मैं एक ऐड करना चाह रहा था कि बहुत इस टाइटल की वजह से हम लोगों को एक बहुत बूस्ट मिला है इनफैक्ट, और काफ़ी चर्चा थी टाइटल क्या रखें क्या रखें, लेकिन जो फाइनल हुआ है आई थिंक इट इज़ एक्सीलेंट एंड दैट्स इट। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस, थैंक यू। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब ये स्क्रिप्ट का चयन हुआ, ये जब नाम आपको कैसे सूझी, और जो कास्टिंग करना कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा, इसके पीछे की जो स्टोरी है जो कहानी है कितना मेहनत लगा, और एक एक किरदार को आपने पन्नों पर किस तरीके से उतारा और उसे आप स्क्रीन पर उतारने जा रहे हैं, जो तो क्या आपका जो इमेजिनेशन या आपकी सोच विज़न क्या लेकर चल रहे हैं? देखिए पहले तो ये जो कहानी है स्टोरी है इसका आइडिया जो है सलीम जी ने मुझे दिया कि ये आइडिया है कहानी का, ये वो घटना को लेके जो है मैंने उसको उस पर फिर पन्नों पे उतारा, आने स्क्रीन प्ले वगैरह हमने लिखा। फिर हमने सोचा कि इसके डायलॉग जो है बनिस्बत कि मैं किसी और से लिखाऊं, तो हमारे शब्बीर भाई ने जो है निसार अख्तर जी का नाम सजेस्ट किया। निसार अख्तर जिन्होंने जो है अनीस भाई की फिल्में लिखी हुई हैं, जैसे रेडी लिखी है, थैंक यू लिखी है, तो फिर उन्होंने डायलॉग लिखे। तो फिर जब स्क्रिप्ट मेरे पास आ गई तो हमने कास्टिंग शुरू की। कास्टिंग के लिए जो है कास्टिंग डायरेक्टर से ज़्यादा जो है हमने सोचा कि इस कैरेक्टर में कौन फिट बैठेगा, जो मेरे इमेजिनेशन में जो मैं जो सोच रहा हूँ इसके। तो फिर हमने लिस्ट बनाई, फिर ढूंढना शुरू किया, फिर एक से मिलते गए। जैसे मिलते गए तो पहले मेरे असिस्टेंट फिरोज और लक्की ने शब्बीर भाई से मुलाकात कराई, शब्बीर सैयद से, तो प्रोडक्शन ईपी है हमारे, तो फिर उनसे बातचीत हुई, बैठा कि इसमें क्या क्या करना है। तो ऐसे हुआ, फिर हमने लोकेशन वहाँ देखी शब्बीर भाई के साथ भोपाल में, हमने लोकेशन देखी, फिर हमने डिसाइड किया कि पंचगनी में उसको करेंगे। और कहानी का धाक का मतलब है टाइटल तो काफ़ी हमने ढूंढे, ऐसे बैठे हुए थे हम बातचीत करते हुए माइंड में आया कि ये सब्जेक्ट जो है धाकड़, तो धाकड़ से जो है हमने निकाला कि इसको धाक कर, फिर धाक का टाइटल सबको पसंद आया। अब कहानी तो बन गई, स्टार कास्ट भी, हमने सोचा कि गाने कैसे बनाए, फिर गाने के लिए जो है हमने म्यूजिक डायरेक्टर देखे, वरदान को हमने साइन किया, अमीर को साइन किया हमने, तो फिर सागर को किया, और लिरिक्स राइटर जो है हमारे अच्छे दोस्त हैं साहिर सुल्तानपुरी, जिनका गाना जो है अच्छिया मिलावांगा कमांडो थ्रो का गाना काफ़ी हिट हुआ था, तो फिर दोस्ती भी, काफ़ी अच्छे गाने उन्होंने लिखे, म्यूजिक डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छा काम किया। आप सबको गाने पसंद आएंगे, इसी तरह सब्जेक्ट भी पसंद आएगा, देखते हैं अभी टीम जो है काम करेगी, रिजल्ट तो आपको। कितने थिएटर से आप देख रहे हैं कितने रिलीज के लिए? इंशाल्लाह करीबन 350-400 के थिएटर का प्लान कर रहे हैं। सर आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और इस फिल्म को लेकर आप अपने थोड़ी राय रखिए और विचार रखिए कि आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में और एक्टर के बारे में। मैं डॉक्टर सैयद इरफान मोइन उस्मानी एनिमेशन से, ये जो अनीस भाई हैं, हमारे सलीम भाई हैं, शब्बीर शेख एडमिशन भाई मेरे से बात करी, बोले हम एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है धाक, अल्लाह बनाइए, मेरी दुआ आपके साथ में है, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, यही दुआ है मेरी इनके साथ में, और बहुत अच्छा काम करेंगे, इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यही दुआ है। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए इस फिल्म के बारे में। जी आपसे जानना चाहेंगे, आप जी आज मुहूर्त हुआ फिल्म का, क्या तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा, क्या कैसा लगा आपको? सबसे पहले आप सब मीडिया वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतने बड़े पटाखे इधर आए। मैं निज़ामुद्दीन फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरो एक्टर का भाई हूँ। जी जब स्टोरी आई होगी, टीम बनी होगी, स्टोरी को लेके फैमिली में डिस्कस होती थी, तो लगता नहीं था कि इतनी जल्दी, जैसे कि एक सपना पूरा होगा जी। जैसे जैसा हमने टीम जोड़ा और अनीस
सर का सपोर्ट मिला, उसके बाद हमारे शब्बीर भैया को मिले, उनका भी सपोर्ट अच्छा रहा, तो टीम को जोड़ने में आसानी हो गई। तो लगता है कि माशाल्लाह ये टीम धाक टीम बन गई अच्छी धाक टीम। आप बताएं, आप छोटी बहन का किरदार निभा रही हैं। बैठिए मोहन सर, आप ओके। एक मिनट। अच्छा जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का रोल है आपका इसमें? मैं उनकी बहन का रोल कर रही हूँ, हीरो की, और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है एवर, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जी। सर आप बताइए, क्या आपके भी पहले जैसे गाने इस मूवी में देखने को मिलेंगे? आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैंने उम्मीद आपसे तो रखी है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो लिखूँ पहले से ज़्यादा अच्छा कुछ, क्योंकि पहले के गाने जो हैं उनका अपना मिजाज था, इस फिल्म का सिचुएशन अलग, उसका मिजाज था, तो डेफिनेटली गाने आपको अच्छे मिलेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको कि आप इतने दूर से आए। सर वेलकम, आपका स्वागत है, और सर ने हमें मौका दिया है, और हमारे साथ सारे सीनियर एक्टर्स हैं, अविनाश जी हैं और वैष्णवी जी हैं, प्रदीप रावत जी हैं, तो उनके साथ काम करना, उस टीम के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं ये चाहूँगा जैसा फिल्म का टाइटल धाक, ये धाक हमेशा हमारी कायम रहे, आज से शुरू होती है और जब तक ये रहे, फिल्म बने, रिलीज हो, इसकी धाक यूँ ही कायम रहे, मैं ये उम्मीद करूँ। सभी सर आप क्या कुछ कहेंगे, आज धाक की ओपनिंग भी हो गई है, धक्कड़ की ओपनिंग हो गई है, तो उसके बारे में क्या ब्लेसिंग रहेगी आपकी? संजय मैं दिलचस्प आप लोग का शुक्र गुजार हूँ कि आप मेरा परिवार हो, प्रमोशन पब्लिसिटी में हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। इस फिल्म, ये हमारी अपनी फिल्म है, सलीम भाई, जुबर भाई, मनीष भाई हमारे लगते जिगर है, और उसके बनिस्बत ये हमारी अपनी फिल्म है, इसके लिए हम शान और शौकत से जोर लगा देंगे और पिक्चर थिएटर तक पहुंचाएंगे, 400-450 थिएटर में हम रिलीज करेंगे, और तुम प्रमोशन पब्लिसिटी में हमारे साथ साथ आप लोग का भी हर पार्टी में, हर प्रोग्राम में आप लोग का सपोर्ट रहता है, और पिक्चर हमेशा मैं बोल रहा कि दुआओं से बनता है। थैंक यू वेरी मच। जी आज आपके हाथों से क्लैप हुआ है धाक का, क्या कुछ कहना चाहें, क्या कुछ बेस्ट विशेस रहेंगी? आपकी फैमिली हो गई, सब सारे आपके लोग हैं, और एक बहुत बड़ी, अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए, किस तरह के विशेस रहेंगे? पहली बात तो मैं तमाम आए हुए मीडिया वालों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज के फिल्म के बारे में, जो शुरुआत के बारे में देखा जाए तो ये अल्लाह की, ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है। हम जो इतना यहाँ तक आ सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसी कोई उम्मीद हमारी नहीं थी, फिर भी ये सब की दुआओं से आज ये इतना बड़ा काम हो रहा है, और चाहते हैं जिस तरह से काम चला है, जितनी मुश्किल से भी चला है, इसको आगे आप सबकी दुआ से ये फिल्म कामयाब हो जाए। जितनी मेहनत करे हैं सब मिलके, इनकी मेहनत का रंग लाए, यही मैं चाहता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपने एक शब्द और कहा था कि मेरा मन नहीं था ये सब करने का, लेकिन डायरेक्टर सर ने खींच के लाए, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब आपका मन नहीं था फिर कैसे? क्योंकि ये लाइन हमारा नहीं है, हमारा बिजनेस लाइन है, बिजनेस लाइन छोड़ के एक अलग पटरी, एक बहुत ही जो हमारा रास्ता है वो छोड़ के दूसरे लाइन को चलना बोले तो बहुत मुश्किल बात है। इसमें कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये सोचना बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये सोचकर हमारा लाइन छोड़ दूसरे में जाना है, कामयाबी होना बहुत मुश्किल है, इसके लिए नको ऐसा बोल के मैं बोल रहा था, मगर फिर भी कुदरत नहीं मानी, और सबकी समझो, आपकी भी सबकी चाहत समझो, उस वजह से हम इस लाइन में आए, शुरू किए हैं, यहाँ तक लाए हैं, और आगे भी पूरा होने तक आप सबका साथ रहे, आप सबकी दुआ रहे, आप सबकी आशीर्वाद रहे,
हमारा जो डर आता वो कामयाबी में बदल जाए, यही चाहते हैं। आंटी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? आज आपकी पूरी फैमिली आई है, पूरी फैमिली है, सारे दोस्त यार हैं, एक टीम बहुत बड़ी टीम बन गई है और ये टीम इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है, उसके बारे में कुछ अगर कहना। मैं इनके जानिब से, मेरी मिसेस की जानिब से बोलता हूँ, ये बच्चों को इतने नाजुक से पाला, एक दिन एक घंटा भी हमसे बिछड़ने हम नहीं दिए। जितना काम है, काम सराह के सीधा वक्त पर घर नहीं आए तो हम संभाल नहीं सकते थे। ये आज का दौर ऐसा आया, देखो अब महीने तक, अब तो दो महीने हो गए अभी तक घर नहीं आया। ये इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो एक घंटा नहीं संभाल सकती थी आज एक महीनों से महाराष्ट्र में आके है, फिर भी संभाली है, इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। कुर्बानी इसलिए है कि हमारा बच्चा तरक्की करे, अब आगे बढ़े, अल्लाह इसे अच्छा नवाजे, इसके लिए इसकी कुर्बानी है। आमीन। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मेरी माँ बाप की मोहब्बत मेरे लिए बहुत है जी। मैं बच्चों में सबसे बड़ा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बड़ा हूँ, मुझे हमेशा लगता था कि मैं छोटा हूँ। और एक ही वजह नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, सारे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, दोस्त है, छोटे भाई है, बड़े भाई है, चाचा है, चाची है, मेरी पूरी फैमिली, पूरा ओवरऑल एंटायर मेरा जो रिलेशन जहाँ तक है, उनकी बहुत बड़ी दुआ है कि मैं यहाँ तक आया। तो मोहब्बत ही जीता आया हूँ, मोहब्बत ही जीता जाऊँगा मैं, शायद कहीं मिलो या ना मिलो, मगर हर दिल में मिल जाऊँगा। सबकी मोहब्बत के साथ, आपकी मोहब्बत हमारे साथ हमेशा रहे, हमारा साथ, आपका साथ हमारे साथ आखिर तक रहे, यही चल। थैंक यू सर, सबका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलो चलो बाइक ले लो।